तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी इंसान को अपने रिसोर्सेज एक्सपैंड करने हो, या फिर अगर किसी एक इंसान के पास वो सारी क्वालिटीज ना हो जो एक बिजनेस के लिए चाहिए, तो दो या दो से ज्यादा लोग अपने रिसोर्सेज, अपने ब्रेन्स और अपनी सारी की सारी कैपेबिलिटीज को मर्ज करके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? और ऐसे बिजनेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे बिजनेसेस को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है? ऐसे बिजनेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक बिजनेस है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे पास एक लॉ भी इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, और उस लॉ का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग जितनी भी बातें करेंगे वो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ही करेंगे, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन नंबर 4 पार्टनरशिप की डेफिनेशन के बारे में बताता है। और वो डेफिनेशन क्या कहता है? वो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द टर्म पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हम लोगों ने इसकी डिटेल डिस्कशन की थी कि हर एक लाइन का मतलब क्या है, ठीक है? फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दो पार्टनर्स हैं, तो इन दोनों पार्टनर्स के बीच में कोई ना कोई तो एग्रीमेंट होगा, ठीक है? बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं होती, तो इनके बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट हुआ करेगा, ठीक है? ये एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और ये एग्रीमेंट आपका रिटर्न भी हो सकता है। और अगर ये रिटर्न है तो इसे हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप डीड। एक पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, हम आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर दैट, जब भी हम बोलते हैं पार्टनरशिप, तो इसकी असेंशियल बातें क्या होंगी या एक पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? तो इसके पार्टनरशिप के फीचर्स होते हैं कि कम से कम दो पर्सन होने चाहिए। एक सिंगल पर्सन को तो आप पार्टनर नहीं बोलोगे, ठीक है? तो कम से कम दो पर्सन होने चाहिए, और इन दो पर्सन में कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी इन तीन लोगों को छोड़ के बाकी कोई भी इंसान नॉर्मल पार्टनर बन सकता है, बस ये तीन लोग नहीं बन सकते। माइनर जो कि 18 साल से कम है, पर्सन जिसका दिमाग जो है वो सही गलत को समझने में ठीक नहीं है, ठीक है? तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कहते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसे लॉ ने बोला है कि ये डिसक्वालिफाइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो ऐसे लोगों को छोड़ के बाकी कोई भी पार्टनर बन सकता है। दूसरा, एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं होगी। तीसरा, ये एग्रीमेंट कोई बिजनेस करने के लिए होना चाहिए, ठीक है? कोई ऐसा काम जो कि लीगल हो, ठीक है? इलीगल काम करने के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है? या फिर सोशल वेलफेयर करने के लिए भी ये चीज नहीं होनी चाहिए, कोई बिजनेस करने के लिए होना चाहिए, ठीक है? अगर कोई सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है तो इसका मतलब वो ट्रस्ट है, ना कि पार्टनरशिप। इसमें शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है, हालांकि शेयरिंग ऑफ लॉस मैंडेटरी नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी, एक आदमी काम करेगा तो वो अपने एक्स सबको बाइंड करेगा, ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ तक की डिस्कशन की थी। अब तक जितना भी मैंने आपको कराया है लास्ट क्लास में, वो मैंने रिवाइज करा दिया है। प्लीज चैट बॉक्स में आए और मुझे आप लोग टाइप करके लिखे डन एंड क्लियर, इसका मतलब है कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अनीशा ने सबसे पहले लिखा है, सर सब क्लियर, वेरी गुड। भूमिका ने लिखा है डन सर, वेरी गुड। मधु ने कहा डन एंड क्लियर, वेरी गुड। अब आयो ना तुम लोग फॉर्म में, अब आयो तुम क्लास को समझने के कगार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो आओ आगे अपनी बातचीत को लेके चलते हैं, ठीक है? हम लोग ऐसी स्टोरी सुनते सुनते ही सारी चीजों को सीख लेंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि दो पार्टनर जब एग्री होते हैं, ठीक है, म्यूचुअली एग्री होते हैं, तो वो आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है? दो लोग एक दूसरे की बातों को रखते हैं और इस पे
जो भी चीजों पे वो एग्री होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में एक्ट जो है, सॉरी पार्टनरशिप में ये ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, अगर ये लोग आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा म्यूचुअली ट्रस्ट करते हैं। और ये रिटर्न भी हो सकता है अगर इन्हें थोड़ा बहुत भी 1% भी एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है तो। ठीक है, मेरा आप लोगों से पूछना है, ठीक है, आप लोग रिप्लाई मोड में आएंगे और बताएंगे कि बताओ प्रेफर किसे किया जाना चाहिए, ओरल को प्रेफर किया जाना चाहिए या रिटन को प्रेफर किया जाना चाहिए, बताओ। आकांक्षा कहती है सर रिटन, तनीषा कहती है सर रिटन, ओके, भूमिका भी कहते हैं रिटन, तनीषा कहती है प्रूफ भी तो होना चाहिए, सर क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, प्रूफ होना चाहिए कुछ। एग्जैक्टली तनीषा, बिल्कुल सही पहचाना आपने कि रिटन एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कैसे काम करता है, वर्क्स एज एन एविडेंस, मधु ने भी बोला, ठीक है, वर्क्स एज एन एविडेंस, ठीक है, एक एविडेंस की तरह पे तरीके से काम करता है कि भाई आपके पास हर चीज का प्रूफ है, जो भी चीज एग्री हुई है। मान लो कल के दिन डिस्प्यूट हो गया तो आप कैसे बताओगे कि क्या आप लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, आप ये रिटर्न डॉक्यूमेंट दिखा दोगे, ठीक है, या आप ये रिटर्न डॉक्यूमेंट दिखा दोगे। और इसी रिटर्न डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने क्या बोला था, पार्टनरशिप डीड। अब आप लोग के मन में अगला सवाल आएगा कि सर पार्टनरशिप डीड जो है वो दिखती कैसे है और होती कैसी है, ठीक है, तो देखो पार्टनरशिप डीड, अगर आप लोगों ने कभी एफिडेविट देखा हो, ठीक है, अगर आप लोगों ने कभी कोई एफिडेविट देखा हो तो उसी के जैसे दिखती है, सेम वो रिटर्न डीड जो है उसी तरीके की होती है, एक एफिडेविट में बनी होती है, ठीक है, ये होता है, यहाँ पे एक नोट सा बना होता है, नोटरी का कागज जो होता है, ठीक है, सपोज करो 10 रुपए का ये नोटरी का कागज है, और यहाँ पे नीचे लिखा होता है एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट, बेसिकली एग्रीमेंट की जगह यहाँ पे लिखा होता है पार्टनरशिप डीड, और इस पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी बातें लिखी होती है, बहुत सारी बातें, ठीक है, क्या क्या चीजें लिखी हुई होती है, आओ मैं इसके ऊपर आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। इस तरीके का नोटरी का कागज होता है, ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या क्या होता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है वो सारी बातें जो भी एक पार्टनरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ फर्म आपको लिखना कुछ भी नहीं है, सब चीजें लिखवाई जाएंगी आपको, नेम ऑफ फर्म केवल सुनते चले जाओ, नेम ऑफ फर्म, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर आपका ऑफिस है, थर्ड नेचर, नेचर एंड बिजनेस, कैसा आपका बिजनेस है और उसके अंदर कौन कौन से काम आप करने वाले हो, उसके बाद नेम ऑफ पार्टनर्स, कौन कौन से लोग आपके पार्टनर्स हैं, उसके बाद एड्रेस, कहाँ पे आपका पार्टनरशिप का एड्रेस है, ठीक है, किस जगह पर आपकी पार्टनरशिप डेट है, सॉरी किस जगह पर आपका पार्टनरशिप का ऑफिस है, उसके बाद कौन सी डेट पे आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट भी यहाँ पे लिखा होता है, उसके बाद हमारे पास लिखा होता है किस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग होगी, फिर लिखा हुआ होता है यहाँ पे कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, यानी हर पार्टनर कितना कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेगा, राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार होंगे, उसके बाद सैलरी एंड कमीशन, क्या किसी पार्टनर को सैलरी या फिर कमीशन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग पे कितना कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, किसी नए पार्टनर को एडमिट कैसे किया जाएगा, किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को रिमूव कैसे किया जाएगा, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट और डेथ, ये किस टाइम पे क्या होगा, ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें इस डीड पे लिखी हुई होती है, यानी हम लोगों ने जितनी बातों को एग्री किया हुआ है ना वो सारी बातें इस डीड पे लिखी हुई होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि
कि एक पार्टनरशिप डील या एग्रीमेंट क्या होता है। क्लियर? चलो आप कुछ बातें लिख लो। अब आप लोग अपने कॉपी पेन उठाओ और लिखना शुरू करो। यहां पर लिखेंगे पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप agreed upon by all the partners। सलोनी कहती हैं सॉरी सर आपने क्या समझाया। सॉरी सलोनी मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि गलती आपकी, आप लेट हो। इम्पॉर्टेंट टू हैव टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट्स, द फ्यूचर disputes, ठीक है। ये होना बहुत जरूरी है फ्यूचर डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। helps as an evidence in court of law, कानून के कोर्ट में कटघरे में ये एक एविडेंस की तरह काम करता है। इट इज साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, सिंपल सी बात है, सब एग्री हुए ना, तो साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स इस पे साइन करेंगे, ठीक है। स्टैम्प्ड बाय इंडियन स्टैम्प एक्ट, स्टैम्प बाय इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889, ठीक है दोस्तों। तो ये इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग इस पे स्टैम्प लगी होती है। ये वही स्टैम्प एक्ट है जो मैंने बताया आपको कि नोटरी का कागज जो होता है जिसपे वो एक नोट बना हुआ होता है वो। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे लिखेंगे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, कंटेंट ऑफ डीड। डीड में क्या क्या होता है, डीड में क्या क्या होता है। आकांक्षा कहती है ओरली वीडियो बनाए तो रिटर्न की जरूरत नहीं होगी सर। आकांक्षा जी हम लोगों ने अभी ना चीजों को इतना मॉडर्नाइज नहीं किया है, ठीक है, कि हम लोग ओरली की वीडियो बनाए और ये सब चीजें किए। हाँ काम कर सकता है वो ऐसे भी, बट अभी हम लोगों ने रिटर्न को प्रेफरेंस देते हैं एज एन एविडेंस, ठीक है। हम लोग अभी भी क्योंकि हम हर चीज की हर एक बात की वीडियो नहीं बना सकते, प्लस वीडियो की ऑल्ट्रेशन बहुत होती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने अभी जो काम किया हुआ है वो रिटर्न फॉर्मेट में ही किया हुआ है। हालांकि अच्छा आइडिया है, इसे हम लोग आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो इसमें डीड में क्या क्या लिखा होता है, नेम ऑफ द फर्म डीड में लिखा होता है फर्म का नाम, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, बस आपको लिखना है name and address of all partners।
नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस। हाँ आकांक्षा कहते हैं धन्यवाद। अरे धन्यवाद की क्या बात, अगर हमारे पास अच्छे टैलेंटेड ब्रेन्स हैं तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। अगला है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब कई के बार कुछ टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप की जाती है, ठीक है, तो वो भी लिख लेंगे हम लोग कितने टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप की गई है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कौन से डेट को बनी है पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। कंडीशन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एक पार्टनर एडमिट कैसे होगा, ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, क्या होगा अगर कि पार्टनर रिटायर हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए। ये 12th पॉइंट था। 13th, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फोर्थ, सिग्नेचर्स, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें एक पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती हैं। आई होप आप लोगों ने अब समझ लिया होगा कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है। लिख लेने के बाद आप प्लीज मुझे बताएं कि अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो प्लीज बताएं। तो भैया वो दोबारा एडिट हो सकती है क्या? तनिषा जी बिल्कुल एडिट हो सकती है। आकांक्षा ने कहा रिटर्न सर, तनिषा जी बिल्कुल एडिट हो सकती है अगर सारे लोग, हाँ सारे लोग मान जाए तो कोई भी टर्म चेंज किया जा सकता है। मधु ने कहा डन, लेकिन उसमें एग्रीमेंट सब, सॉरी उसके अंदर कंसेंट सबका होना चाहिए, सारे के सारे लोग कंसेंट करेंगे तभी कोई चीज चेंज हो पाएगी। भूमिका और सलोनी आप लोग का मैं वेट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने कर लिया हो तो। मैसेज में बात करेंगे आप लोग तब तक जब तक मैं आपको अलाउ ना करूं कि आप माइक ऑन करें। थैंक यू भूमिका, एंड आई होप कि सलोनी ने भी कर लिया हो। तो अब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो डीड है ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ओरल डीड भी रख सकते हो, आप चाहो तो रिटन डीड भी रख सकते हो। रिटन प्रेफरेबल है, ओरल प्रेफरेबल थोड़ी, ओरल प्रेफरेबल नहीं है। अब मान लो कोई ओरल डीड है, ठीक है, और आगे चल के डिस्प्यूट हो जाए, मान लो कोई ओरल डीड है और आगे चल के डिस्प्यूट हो जाए, तो एविडेंस क्या दिखाया जाएगा, कुछ भी नहीं,
एविडेंस क्या दिखाया जाएगा? कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। ऐसे केस में अगर आप कोर्ट में जाओ तो कोर्ट क्या जजमेंट देगा? ऐसे केस में अगर आप कोर्ट में जाओ तो कोर्ट आपको क्या जजमेंट देगा? ऐसे केस में कोर्ट जो जजमेंट है वो कुछ कैसे बता सकते हैं, कुछ नॉर्मल तरीके से देता है, यानी ऐसे तरीके से देता है जिसमें सब चीजें सबके फेवर में हो। ठीक है, तो आओ देखते हैं कि अगर हमारे पास डीड ना हो या फिर डीड साइलेंट हो तो क्या होता है। व्हेन व्हेन डीड इज साइलेंट, व्हेन डीड इज साइलेंट और देर इज नो डीड, अगर डीड साइलेंट है या डीड है ही नहीं तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में दोस्तों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो कानून के सामने जब आप लेके जाओगे तो क्या बोलोगे, क्या रेट डिस्कस हुआ था? कानून कहता है ऐसा है, अगर डीड ओरल है या फिर डीड में ये सब चीजें डिस्कस ही नहीं हुई है तो किसी भी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। थर्ड, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी अगर डीड में डीड साइलेंट है और डिस्प्यूट हो गई है। फोर्थ, नो कमीशन, यानी कमीशन भी नहीं दिया जाएगा, कमीशन टू पार्टनर, अगर डीड साइलेंट है या फिर डीड है ही नहीं तो किसी भी पार्टनर को कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। और प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, व्हाट अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग? भाई इक्वल इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग होगी, यानी सारे पार्टनर को इक्वल इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, आई रिपीट, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पार्टनर को 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि अगर डीड साइलेंट है तो ये सारे काम होंगे। ठीक है, इसे भी प्लीज आप नोट करें, इसे भी आप प्लीज नोट करें, फिर मुझे बताएं, मैसेज में बताना आप। आकांक्षा ने लिखा है सर डन, भैया लास्ट पॉइंट समझा दो। ठीक है, देखो जी, ये है पार्टनर, ये है फर्म। ठीक है, इस पार्टनर ने ऑलरेडी 1 लाख रुपए फर्म को दिए हुए हैं एज कैपिटल, क्योंकि ये पार्टनर है ना, इसने कैपिटल ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि फर्म थोड़ी क्राइसिस से गुजरने लगी। ठीक है, फर्म कुछ क्राइसिस से गुजरने लगी, तो बाकी जो दो पार्टनर फर्म के अंदर है उनके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो आपके पास थोड़ा पैसा है एक्स्ट्रा, आप एक काम करो, आप ना फर्म, आप लोन दे दो फर्म को, ये लोन आपको चुका दिया जाएगा, ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी कर रखा था उसने, उसने और एक्स्ट्रा पैसा दिया एज ए लोन। ठीक है, अब क्योंकि डीड साइलेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि इसको अपने लोन पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा और 6% पर एनम की दर से फर्म उसके लोन पे उसे ब्याज चुकाएगी। ठीक है तनिषा, लास्ट पॉइंट का ये मतलब है। मैं भूमिका सलोनी और मधु के लिखने का वेट कर रहा हूँ। अनिशा ने कहा सर ओके, आप लोग लिख लो तो प्लीज मुझे लिख बताओ कि हाँ सर लिख लिया।
सलोनी कहती है समझ नहीं आया, ठीक है सलोनी मैं दोबारा बताऊंगी। भूमिका ने कहा डन, मधु ने कहा डन। सलोनी सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को उधार दिया है तो उस उधार पे फर्म उस बंदे को 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज चुकाएगी, केवल इतनी सी बात है, ठीक है। बिल्कुल वैसे जैसे आपने किसी को उधार दिया और उस बंदे ने आपको ब्याज चुकाना है तो आपको 6% के हिसाब से ब्याज चुकाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग के बारे में कि सर पार्टनरशिप बिजनेसेस कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं। लिखेंगे अकाउंटिंग या अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय, अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय, अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय पार्टनरशिप, अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय पार्टनरशिप। दोस्तों इसे भी समझो आप, पार्टनरशिप बिजनेसेस दो तरीके के हो सकते हैं, ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग। तो अगर मान लीजिए ट्रेडिंग बिजनेस है, अगर मान लीजिए ट्रेडिंग बिजनेस है तो इसने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, से यस और नो। इसने कौन सा अकाउंट बनाया होगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, क्या निकलता है, क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। ग्रॉस प्रॉफिट को डाला जाता है कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये दूसरा अकाउंट हम लोग बनाया करते थे जब हम लोग सोल प्रोप्राइटर, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कनिषा कह रही है ग्रॉस लॉस। कनिषा ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, ठीक है। हम लोग फिलहाल अभी प्रॉफिट को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, ग्रॉस लॉस भी डाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां से हमारे को मिलता था शुद्ध प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट, जिसे आप लोग नेट प्रॉफिट बोला करते थे। ये प्रॉफिट जिसमें से सारे के सारे खर्चे आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, राइट। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो अगला काम हम लोग क्या करते थे, इस नेट प्रॉफिट को उठाकर बैलेंस शीट में लेके जाया करते थे। कहाँ लेके जाया करते थे? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में इसे कैपिटल में ऐड कर दिया करते थे, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। पहले तो मुझे आप लोग चैट बॉक्स में आके ये बताओगे कि क्या आपको ये सारी बातें याद है सोल प्रोप्राइटर की जो हम लोगों ने की थी पिछले साल। कनिष्ठ कहते बैलेंस शीट, सारे बच्चे बताएंगे क्या आपको ये सारी बातें याद है। बोलो भाई बोलो, जरूरी है बोलना ताकि आप लोग टॉपिक से कनेक्ट कर पाओ, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं, अदरवाइज तो आप रट लोगे सब चीजें। हाँ तनीषा कहती है अच्छे से याद है, मधु कहती है हाँ भैया याद है। और व्हाट अबाउट भूमिका एंड कांक्षा एंड सलोनी? अगर आपको याद नहीं है तो भी बता दो, ठीक है। सलोनी ने कहा नहीं याद, कांशा कह रहे क्या याद कि जब आप सोल प्रोपराइटर के अकाउंट्स बनाया करते थे तो आप यही काम किया करते थे। जब आप सोल प्रोपराइटर के काम करते थे, सोल प्रोपराइटर्स के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते थे तो यही काम करते थे, क्या आपको याद आया? भूमिका है क्या क्लास में? अच्छा चलो कोई बात नहीं, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि भूमिका, आकांक्षा, सलोनी, मधु और तनीषा हम लोग इसी तरीके से पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे, यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, उससे नेट प्रॉफिट निकालते थे और इस प्रॉफिट को हम लोग डाल देते थे बैलेंस शीट में, ठीक है, कैपिटल में। दोस्तों अगर आपको याद है कोई अच्छी बात है, नहीं याद तो भी समझो कि
अगर आपका बिजनेस है तो आपके बिजनेस से आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट मिलेगा। और नेट प्रॉफिट को क्या करोगे आप? अपने पास जोड़ लोगे, यही करोगे ना आप। अपने बिजनेस से अपना नेट प्रॉफिट निकालोगे और नेट प्रॉफिट को अपने कैपिटल में जोड़ लोगे कि आपका मुनाफा हो गया। अब तक बातें ठीक थी, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, तो यही सारे काम होते हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत आ जाती है। दिक्कत कहाँ आती है, जरा ध्यान से देखो। पार्टनरशिप भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पार्टनरशिप भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? ये अकाउंट बनाते हैं ताकि इन्हें पता चल सके इनका ग्रॉस प्रॉफिट, क्या पता चल सके? ग्रॉस प्रॉफिट पता चल सके, ठीक है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को ये भेजते हैं कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक और अकाउंट जिसमें से और खर्चे माइनस किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। घबराने की बात नहीं है, अगर आपने, आपको याद नहीं भी है तो भी मैं आपको करा दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ से निकालते थे वो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या? ग्रॉस प्रॉफिट में से और फालतू के खर्चे माइनस करने। लेकिन जैसे ही ये नेट प्रॉफिट आया, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ गई। और वो कंफ्यूजन क्या है दोस्तों? देखे कौन बताता है, कौन दिमाग लगा लेता है और कहता है कि सर मुझे कंफ्यूजन पता चल गया। कि वो क्या कंफ्यूजन है? यहाँ और यहाँ इन दोनों में एक ही कंफ्यूजन है, वो क्या है? अगर नहीं पता तो लिख दो नहीं पता, और जिनको पता है वो आंसर देने की कोशिश करो। मैं आप लोग के मैसेज का वेट कर रहा हूँ। बोलो दोस्तों, अगर पता है तो वो लिखो, नहीं पता तो वो लिखो। आकांक्षा कहती है साइड इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है देखते हैं। बाकी लोग बाकी लोग कैसे कहते हैं, दोबारा बताना, मैं बताऊंगा अभी। मैंने ये बोला सोल प्रोप्राइटर में नेट प्रॉफिट निकालते थे और नेट प्रॉफिट को उठा के कैपिटल में ऐड कर लेते थे, क्योंकि एक ही इंसान था, एक ही इंसान था, तो उस जो भी बिजनेस का प्रॉफिट आया वो कैपिटल में जाकर जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालने के तुरंत बाद ही एक कंफ्यूजन आ जाती है। वो कंफ्यूजन भी मुझे आपसे पूछने की, वो कंफ्यूजन क्या आती है? आप लोगों के पास 1 मिनट है बताने का, उसके बाद हम लोग अगली मीटिंग में इसका मतलब समझेंगे। अगली मीटिंग यानी जो अभी होगी। एक बार और रिपीट कर दीजिए। अरे आकांक्षा जी, अब आप इंतजार कर लीजिए, और किसी को भी नेट प्रॉब्लम हो रही है क्या? और किसी को भी आवाज नहीं आ रही? मेरी साइड से कोई नहीं, चलो अगली मीटिंग। पहले कुछ नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, 11th क्लास में कुछ नहीं पढ़ा हुआ, तो देखो जरा मुझे सोच के बताना, ठीक है। एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, उसने, कहानी सुनना ध्यान से, उसने एक चीज 100 रुपए की बेची, ठीक है, 100 रुपए की उसने क्या करी है, एक चीज बेची है। लेट्स से उसने एक पेन बेचा है, 100 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, ये एक पेन बेचा है उसने, वन पेन। ये पेन बनाने में दोस्तों, इस पेन को बनाने में उसके लग गए हैं 20 रुपए, ठीक है। ये पेन कितने में बना है? 20 रुपए, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और क्योंकि इस पेन को इसे बेचना भी था, इसे एडवर्टाइज करने में और बाकी सारे ऊल झुलूल काम, इसकी प्रिंट कराने में, ये सब चीजें कराने में
60 रुपीज खर्च हो गए, 60 रुपीज तो नहीं खर्च करे, चलो 50 रुपीज और एक्स्ट्रा खर्च हो गए, ठीक है, ये इसके अदर एक्सपेंसेस हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि बताओ दोस्तों प्रॉफिट कितना और कौन खाएगा। चलो आई होप इसका जवाब आप दे पाओगे, ठीक है, आई होप आप इसका जवाब दे पाओगे। आकांक्षा कह रही है पार्टनर, आकांक्षा कैसी बातें कर, पहले प्रॉफिट बताओ, पार्टनर तो है ही नहीं इसमें, कोई एक ही बंदा है। आकांक्षा हाँ, तनीषा का जवाब है सर 30 रुपए का प्रॉफिट है, सर 30 रुपए का प्रॉफिट। भूमिका कह रही है सर 30 रुपए का प्रॉफिट है और यही खाएगा, सही बात है बिल्कुल, जिसका है जो पेन बेच रहा है वही खाएगा। सलोनी भी कहती है सर 30 रुपए, आकांक्षा भी कहती है 30 रुपए, और ये 30 रुपए कौन खाएगा, ये 30 रुपए यही खाएगा, है ना, कितने सिंपल सी बात है। मधु भी कहते हैं 30 रुपए का प्रॉफिट, वेरी वेरी गुड, तुमसे कह रहा हूँ अकाउंट्स आसान है, तुम रहो तो मेरे साथ। अब अगला केस क्या है, अब अगला केस है, ये रहे दो लोग, ठीक है, ये दो लोग क्यों, क्योंकि पेन बनाना एक आदमी को अकेले को नहीं आता था, तो उसने पेन बनाया, इन लोगों ने भी पेन बनाया, इन्होंने 100 रुपए का पेन ही बेचा, इन्होंने 100 रुपए का पेन ही बेचा, इन्होंने भी 20 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग करी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर करी, इन्होंने भी 50 रुपए की, 50 रुपए की जो कॉस्ट है वो अदर कॉस्ट इनकर करी, ठीक है। अब यहाँ पे भी सर जायज सी बात है सर, यहाँ पे भी 30 रुपए का प्रॉफिट आएगा, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन भी आ रही है, देखे वो कौन बताएगा, यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो देखे कौन बताएगा, बताओ दोस्तों कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे। 30 रुपए का प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन कंफ्यूजन क्या है, रिप्लाई मोड। तनीषा कह रही है सर कहती प्रॉफिट शेयरिंग, आकांक्षा कहते यही कि डिवाइड कैसे होंगे दो लोगों में, ठीक है। भूमिका कहते सर 30 रुपए का प्रॉफिट है, किस पर जाएगा ये कंफ्यूजन है। बिल्कुल सही पहचाना मेरे दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट जवाब, ये कंफ्यूजन ये है कि ये 30 रुपए बटेंगे कैसे, हाउ दिस प्रॉफिट विल गेट डिवाइडेड, ठीक है, इसी की तो कंफ्यूजन है, ठीक है ना, ये डिवाइड कैसे होगा, क्योंकि कई तरीके से डिवाइड हो सकता है, 10 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 15 रुपए, और भी पता नहीं कितने तरीके हो सकते हैं, 18 रुपए, 12 रुपए, ठीक है, कितने भी तरीके से वो हो सकता है। सलोनी को कह दो रिज्वाइन, सलोनी रिज्वाइन करो, सलोनी रिज्वाइन करो, अगर आवाज नहीं आ रही तो रिज्वाइन करो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही बात बताई कि ये प्रॉफिट अलग अलग तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है। अब आओ ऊपर वाली बात को याद दिलाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जब 20 रुपए घटाए गए तो उसके लिए बनाया गया था ट्रेडिंग अकाउंट, पहले क्या बनाया गया था, ट्रेडिंग अकाउंट, तो वही काम यहाँ पे भी किया गया होगा, यानी यहाँ पे भी ट्रेडिंग अकाउंट बना होगा। इसी तरीके से जब हम लोगों ने 20 के बाद हमारे पास 100 रुपए में से 20 घटाए तो कितने बचे थे, 80 रुपए बच गए थे, ठीक है। तो ये जो आया 80 रुपए, ये था ग्रॉस प्रॉफिट, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लोगों ने फिर घटाया, क्या घटाया, 50 रुपए, ठीक है। तो जब आपने ये 50 रुपए घटाए तो आपको निकल के आया नेट प्रॉफिट 30 रुपए, तो ये जो आपने 50 रुपए घटाए इसके लिए आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे जो 30 रुपए आई, ये आपने उठा के सीधा उस बंदे को दे दिए कि भाई तू ले जा अपने घर, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के तुरंत बाद ही कहाँ पे आ गए, एक कंफ्यूजन पे आ गए कि प्रॉफिट बटेगा कैसे। और दोस्तों प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है, यानी सोल प्रोपराइटर में हमारे पास 3 अकाउंट बनते थे, एक बनता था ट्रेडिंग, एक बनता था प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा बन जाता था बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम कैपिटल में प्रॉफिट को जोड़ के लिख दिया करते थे, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या होता है,
ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद एक और अकाउंट बनता है जहां पे ये कंफ्यूजन दूर की जाती है कि प्रॉफिट बटेगा कैसे। ठीक है, ये सारी कंफ्यूजन दूर की जाती है कि प्रॉफिट बटेगा कैसे, लॉस भी इक्वली डिवाइड होगा, आकांक्षा इक्वली डिवाइड नहीं होगा, जैसे एग्रीमेंट हुआ है वैसे डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे एग्रीमेंट हुआ है ना, जैसे अब जिस तरीके से सपोज करो, ये भी तो हो सकता है कि 1:2 में प्रॉफिट का एग्रीमेंट हुआ हो, ठीक है, या फिर हो सकता है 2:1 का एग्रीमेंट हुआ हो, ठीक है, तो उसी रेशियो में ये प्रॉफिट डिवाइड होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट जब डिवाइड होता है तो हर इंसान की कैपिटल बदल जाया करती है ना, हर इंसान ने जितना पैसा लगाया है वो बदल जाया करता है, तो सबकी कैपिटल्स भी क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, क्योंकि सबकी कैपिटल में अलग अलग तरीके से प्रॉफिट जुड़ेगा, सबकी कैपिटल में अलग अलग तरीके से क्या जुड़ेगा, प्रॉफिट जुड़ेगा। तो एक और अकाउंट बनाना पड़ जाता है नई कैपिटल पता लगाने के लिए कि अब प्रॉफिट बढ़ने के बाद नई कैपिटल क्या है, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसका क्या नाम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसका क्या नाम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और जब ये सारा काम हो गया तो सारी कंफ्यूजन दूर हो गई। सारी कंफ्यूजन कौन कौन सी दूर हो गई, कि प्रॉफिट कैसे डिवाइड होना है ये पता चल गया, नई कैपिटल क्या है ये पता चल गया। इसके बाद हम लोग बना सकते हैं क्या, बैलेंस शीट, जो कि कंपनी का ओवरऑल प्रोस्पेक्टस या ओवरऑल हालात बताता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय पार्टनरशिप फॉर्म्स। मैं एक बार फिर से आप लोग को लिखवाया था, ये आपको लिखना है, लिखेंगे अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय पार्टनरशिप फॉर्म्स, पार्टनरशिप फॉर्म्स। ठीक है, और मैंने कहा था ना कि आप लोग को नहीं जरूरत पड़ेगी पिछले साल की चीजों के, बिना पिछले साल की चीजों के मैंने आपको ये सब चीजें समझा दी। ठीक है, कौन कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ये बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, असर्टेन असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना ही होता है, अगर नहीं आया तो लॉस निकलेगा। फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लॉस अकाउंट ये बनाते हैं टू असर्टेन नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट निकालने के लिए कि एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ है सारे खर्चे माइनस करने के बाद। थर्ड, ये है इम्पोर्टेंट, जो भी मैं व्हाइट पेन से लिख रहा हूँ अब, ये सारा ये है जिसको मैं आपको सिखाऊंगा, ये है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये होता है टू डिवाइड प्रॉफिट, टू डिवाइड प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, टू डिवाइड प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। ठीक है, फोर्थ, क्योंकि प्रॉफिट डिवाइड हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाते हैं, तो एक और हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, हम लोग इस पे भी गहन चर्चा करेंगे, इस पे भी डीप चर्चा करेंगे। चेक चेक चेंज इन चेक चेंज इन चेंज इन कैपिटल, ये कैपिटल में कितना चेंज आया। फिफ्थ एंड लास्ट, बैलेंस शीट्स, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप आ गए हो 12th क्लास में, 12th क्लास में जब आप आ गए हो तो
इलेवेंथ क्लास की चीजों को दोबारा सीखने की जरूरत नहीं, तो ये इलेवेंथ क्लास वाली चीजें हम लोग नहीं सीखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी हम लोग नहीं सीखेंगे, ठीक है। हम लोग जो इस चैप्टर में सीखने आए हैं वो ये तीन अकाउंट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, करंट कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये तीन अकाउंट सीखेंगे। अब आप लोग के मन के अगले सवाल कि सर ये जो ऊपर के दो अकाउंट हम लोगों ने मिस किए हैं, क्या इसका कोई मेजर रोल है यहाँ पे? इसका जवाब है नहीं, ऊपर के अकाउंट का कोई रोल नहीं है। तो अगर आपको अकाउंट नहीं भी आते तो भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सर क्या हम लोग इसे फ्यूचर में कभी सीख पाएंगे? हाँ, आप इसे फ्यूचर में कभी सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप अभी एक्स्ट्रा क्लास लोगे जहाँ पे आप थोड़े मोड़े बेसिक कंसेप्ट समझोगे। वैसे कोई खासा ज्यादा जरूरत है नहीं। हम लोग तो ये सारे अकाउंट जो है पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो मेंटेन करती है, जिसमें हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इस सारे, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें हम लोगों ने कर ली। नेक्स्ट क्लास के अंदर, इन आर नेक्स्ट क्लास, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, ठीक है। अब मैं आता हूँ आप लोगों से चैट बॉक्स में बात करने के लिए कि अभी आज के टॉपिक में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। आज के टॉपिक में कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। रियली बताओ, बेफिक्र होके, बिना टेंशन के। तनिषा कहने हैं नो सर, एवरीथिंग इज क्लियर। बाकी लोग एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर सर, साउंड्स गुड आकांक्षा। ये लाइन तो वैसे भी मेरी फेवरेट है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। भूमिका कहते हैं नो सर। ओके, नहीं भैया सब क्लियर, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अभी सब क्लियर तो आप लोग को क्या लगा था कि मैं आप लोग को ऐसे ही छोड़ दूंगा? कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर वन का आंसर देना शुरू करो। रुक जाओ, एक सेकंड, थम जाओ, ठीक है। थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ, थम जाओ। चलो इन क्वेश्चनों के आंसर दो। तो सबसे पहला, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ? बताओ, अगर डीड नहीं है तो सैलरी टू पार्टनर कितना मिलेगा? चैट बॉक्स में फटाफट बताना शुरू करो। पहले क्वेश्चन का आंसर करो, सैलरी टू पार्टनर कितना मिलेगा? 10,000, 15,000, 5,000, कितना मिला जाएगा? आकांक्षा कहती है सर देंगे ही नहीं, ऐसी की तैसी, सर देंगे ही नहीं। तनीषा कहते हैं नहीं मिलेगा। वेरी गुड, शाबाश। जो लोग जवाब नहीं दे रहे मैं समझ लेता हूँ कि उन्हें नहीं, उन्हें आता ही नहीं है, बेवकूफ लोग हैं, कुछ नहीं मिलेगा। वेरी गुड। अच्छा अगला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, बताओ जरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल कितने परसेंट मिलेगा? नॉट चार्ज, नहीं नॉट गिवन होना चाहिए कांक्षा। कहते हैं तनीषा कहते हैं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट का दिया जाएगा? मेरा दिल कह रहा है 12% का, 12% इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे हम। आकांक्षा कहते हैं सर 6% का दिया जाएगा। सर आप पागल वाली बातें मत करो। आकांक्षा और तनीषा ने सही जवाब दिया, ठीक है। तुम्हें मिलेंगे, भूमिका ने भी लिखा 6%। आकांक्षा, इतना बड़ा दिल भी नहीं है सर हमारा कि 12%। अरे वाह आकांक्षा, सही बात। सर 6% दिया जाएगा, सर 6%। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा दोस्तों? मेरा मेरा दिल कहता है कि 1:1 होगा, तुम्हारा दिल क्या कहता है? भूमिका
भूमिका कहती है इक्वल इक्वल, आकांक्षा कहती है इक्वल इक्वल, तनिषा भी कहते हैं इक्वल इक्वल, ठीक है। मधु और सलोनी का रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। सही जवाब है मधु ने भी कहा इक्वल इक्वल, सही जवाब है इक्वल इक्वल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, दोस्तों इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग कितना चार्ज किया जाएगा? तनिषा कह रहे नहीं चार्ज किया जाएगा, नहीं चार्ज किया जाएगा, नहीं चार्ज किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू ध्यान दो फटाफट जल्दी जल्दी से। कहता है टी यूज 20,000 बिलोंगिंग टू फर्म एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, क्यू एंड आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू फर्म, ठीक है। पी ने, ध्यान से सुनना ये केस, पी ने फर्म से ही 20,000 रुपए लिए, ध्यान से सुनना, पी ने फर्म के ही 20,000 रुपए लिए और फर्म के 20,000 रुपए लेके 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब क्यू और आर कहते कि भाई ऐसा है, जो तूने 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है तू फर्म को देगा, क्योंकि ये पैसे तेरे नहीं थे फर्म के थे, ठीक है ना, ये पैसे तेरे नहीं थे फर्म के थे, और अगर ये पैसे तेरे नहीं थे फर्म के थे तो ये फर्म के पास वापस आने चाहिए। बताओ क्या कहते हो, देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? पी ने कहा कि अरे पैसे तो मैंने कमाए हैं, दिमाग तो मैंने लगाया है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो बाद में। क्या पी उस 5,000 रुपये अपना अधिकार जमा सकता है कि नहीं ये पैसा मेरा है क्योंकि फॉर्म के थे पैसे, लेकिन दिमाग तो मैंने लगा कमाया है तुझे? हाँ जी, तो जवाब है पी जो है ये पैसा फॉर्म को देगा। हाँ क्यों देगा? क्योंकि फॉर्म के पैसे से पैसा कमाया है उसने, अपने पैसों से नहीं। अगला सवाल, क्यू यूज 5,000 बिलोंगिंग टू फर्म एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹1,000, ही वांटेड टू बियर द लॉस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, क्यू ने फर्म के 5,000 रुपए यूज करे और 1,000 रुपए का उसने लॉस वो कर दिया, लॉस कर दिया। अब वो चाहता है कि वो बियर लॉस, वो लॉस खुद बियर करे, बताओ क्या होगा? का सही जवाब है, अगर क्यू ने फॉर्म ही करे लॉस बियर। जी नहीं, फॉर्म बियर नहीं करेगी लॉस, ठीक है, फॉर्म बियर नहीं करेगी लॉस। क्यू ने 5,000 रुपये फॉर्म के सेपरेटली लिए और 1,000 रुपये का नुकसान किया, ये लॉस फॉर्म बियर नहीं करेगी, यानी पार्टनर्स बियर नहीं करेंगे सारे, ये केवल और केवल क्यू बियर करेगा, ठीक है। हाँ जी, अगला, पी एंड क्यू वांट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम ए लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। पी और क्यू चाहते हैं कि गुड्स परचेज करें ए लिमिटेड से, लेकिन आर मना कर देता है, बताओ सामान खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा? बताओ जरा, पी और क्यू सामान खरीदना चाहते हैं ए लिमिटेड से, लेकिन आर मना कर रहा है, खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा? खरीदा जाएगा। तनीषा जवाब है गलत, सारे पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए, सारे पार्टनर का कंसेंट होना चाहिए, एक भी मना करे, मना कर रहा है ना, आर तो मना कर रहा है पार्टनर होके। ठीक रेशियो तो ज्यादा है, रेशियो से फर्क नहीं पड़ता, सबके कंसेंट होना बहुत जरूरी है, सबकी कंसेंट होना बहुत जरूरी है। अगला, क्यू और आर वांट टू एडमिट सी एस पार्टनर, पी डज नॉट एग्री, ठीक है। क्यू और आर जो है वो चाहते हैं कि सी को पार्टनर बनाया जाए, पी मना कर रहा है, अब बताओ क्या पी पार्टनर बन पाएगा? नहीं एडमिट होगा सी, सही जवाब, नहीं एडमिट होगा सी। हिमांशी कहते हैं नहीं होगा, वेरी गुड, नहीं होगा, क्योंकि सबके कंसेंट जरूरी है। पहले क्वेश्चन के आंसर थे आपका, पहले का नॉट अलाउड, दूसरे का नॉट अलाउड, तीसरे का 6% इक्वल इक्वल एंड नॉट चार्जिंग, जो कि सही जवाब है। और यहाँ पर है हमारे पास
पहले वाले का पी मस्ट पे बैक 25,000, क्यू मस्ट पे 5,000, यानी क्यू ही 5,000 रुपये देगा, फॉर्म 1,000 रुपये का लॉस बियर नहीं करेगी, गुड्स मे बी ब्रॉट बॉट फ्रॉम ए लिमिटेड, गुड्स मे बी बॉट हो सकते हैं लेकिन मना ही होगा, ठीक है ना, मना ही होगा, और अगर डिसएग्री करा तो मना ही होगा, सी कैन नॉट बी एडमिटेड, सी को एडमिट नहीं किया जाए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि पार्टनरशिप में कैसे काम होता है, ठीक है। कुछ पूछना पाछना है, कुछ पूछना पाछना है तो बताओ। हाँ, बस बाय कह रहा हूँ, बस बाय कह रहा हूँ, अरे रुक जाओ, बस बाय बाय कह रहा हूँ, बाकी एक बार मुझे क्लियर कर दो नोट सर, सब क्लियर, एक बार सब बता दो कि सब चीजें क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड, तो गुड बाय, सी यू, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय बाय।